हेलो माय लवली एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, प्लीज़ ओपन माइंड करके देखें, क्योंकि फाइनली क्या होना है ये सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। सभी जोडियक साइन के लिए ये रीडिंग होने वाली है। जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, कार्ड शफल करते हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। ओके, तो मेरे पीछे जो शोर आ रहा है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में कुछ तो फंक्शन हो रहा है, कुछ बच्चों का है। ठीक है, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, जो मैं कार्ड शफल करती हूँ वो आपको ठीक नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप उतने टाइम को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, आप में से कोई तो है जो मेरी रीडिंग यूं ही देखता है, मतलब बिना कोई थॉट लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ। ओके, मुझे ऐसा लगता है जो भी बिहेवियर आपके पार्टनर ने किया है या जो सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप में, उसको लेकर आपके पार्टनर आपका सामना नहीं करना चाहते। ठीक है, हालांकि वो ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि बातचीत हो एक बार आप दोनों के बीच में। ठीक है, आगे के बारे में बात की जाए, लेकिन वो इन सब चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। ख़ास तौर से कोई एक डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। इवन आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो कुछ इस तरह की है कि वो डिसीज़न मेकर भी नहीं है, उनको डिसीज़न लेना नहीं आता है। सारी चीज़ें उनके सामने क्लियर होने के बाद भी बस वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, अपने आप को कंफ्यूज़ करते रहते हैं पूरे टाइम हर चीज़ में। इवन अगर आप उनको नॉर्मली कोई डिसीज़न लेने भी के लिए भी कहोगे रिलेशनशिप के अलावा, वो डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ उनका वो सोच भी चुके हैं लेकिन बस वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके पार्टनर को भी रोके हुए हैं। ओके, ये कार्ड पॉप अप हुआ है, एस ऑफ वांड्स, स्टक है कहीं पर, इसलिए कंफ्यूज्ड है अपने थॉट्स को। ओके, ठीक है, यही कार्ड आया है। बॉटम है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, धीरे धीरे उनको समझ आ रही है रिलेशनशिप, लेकिन ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज, काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं। आप काफ़ी ज़्यादा समय से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का। ओके, तो यहाँ पर जब मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की, जहाँ तक मैं आपको आपके पार्टनर ने ना बिना किसी रीज़न के रिलेशन ख़त्म किया है, बिना किसी रिलेशन के, कोई वजह नहीं है। ठीक है, जो मुझे आज दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपके पार्टनर ने बिना कुछ सोचे समझे, इवन सोचा भी नहीं, बस डिसीज़न लिया, जो कि वो बहुत ख़राब डिसीज़न लेते हैं, और उन्होंने आपके साथ सेपरेशन में आ गए, किसी और पर्सन के साथ बातचीत शुरू कर दी, क्योंकि नेचर आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है। किसी ने हेलो भी बोला तो वो जाकर के वहाँ सोशल मीडिया पे बात करना शुरू कर देंगे। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्लो एनर्जी है, लेकिन एक कदम आपकी तरफ बढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर आपका प्यार इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर को आपका प्यार हमेशा आपके पास लेकर आता है। इससे पहले भी एक दो बार सेपरेशन हो चुका होगा आपका, ऑन ऑफ सिचुएशन रहती होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर इतने स्ट्रांगली आपसे प्यार करते हैं, या आप इतने ज़्यादा प्यार करते हो कि आपके पार्टनर लौट कर वापस आ जाते हैं, और वो सोचते हैं कि इतना प्यार करने वाला इंसान मुझे कहाँ ही मिलेगा। ठीक है, बातचीत बंद होती है, लेकिन वो दोनों फिर आप दोनों साथ हो जाते हो।
छः महीने का गैप होता होगा, 3 महीने का, 1 महीने, 1 हफ्ते, लेकिन बातचीत फिर से हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी काफ़ी खूबसूरत है, हो सकता है आप लोग रिसेंटली मिले हो, हो सकता है काफ़ी सालों से मिले हों, लेकिन अब तक ये कोई कमिटमेंट नहीं दिया है आपके पार्टनर ने। और जब भी आप दोनों के बीच में कमिटमेंट की बात आती है, आपके पार्टनर बात को टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कन्फ्यूज़ है किसी और पर्सन के साथ, या किसी और कन्फ्यूजिंग एनर्जी में आपके पार्टनर है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि अगर कोई थर्ड पार्टी और आप हैं, तो आपके पार्टनर ने आपको ही चूज़ किया है, ये कन्फर्म है, ओके। क्योंकि प्यार जितना आप करते हैं उतना कोई और नहीं करता है आपके पार्टनर को, ठीक है। कोई और पार्टनर को आपके इतना प्यार नहीं करेगा जितना आप करते हो। आपके पार्टनर यहाँ पर जिस भी थर्ड पार्टी में थे, क्योंकि कन्फ्यूज़ है ना, क्योंकि वहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं है आपके पार्टनर। जहाँ भी जाते हैं, जैसे भी जाएंगे, नेगेटिव हैं आपके पार्टनर। नेगेटिव किस तरीके से हो सकते हैं? अपने थॉट से, जो उन्होंने अपने कर्माश किए हैं वो उन्हें रियलाइज़ हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी का कोई एक नेगेटिव कमेंट मैंने पढ़ा है तो मेरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा उधर जा रही हैं। इसलिए मैं आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ, जो भी मुझे नेगेटिव कमेंट करता है मैं उसको रिप्लाई तो कभी नहीं करती, परमानेंट ब्लॉक कर देती हूँ, ओके। और टैरो रीडिंग कोई खेल नहीं होती है, तो हमेशा यही कहती हूँ, ओपन माइंड करके ही देखना है, ठीक है। और नहीं देखना है तो ओके, ऑलराइट। क्योंकि सभी के लिए एनर्जीज ख़राब हो जाती हैं, लोगों को लगता है कि कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ है ये, तो प्लीज़ ऐसे किसी भी पर्सन के यहाँ पे ख़ासतौर पे मेरे चैनल पे जगह नहीं है जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज़ें देख रहा है, या टाइम पास नहीं हो रहा तो टैरो रीडिंग्स देख ली, उठा के किसी को कोई कॉमेंट कर दिया, परमानेंट ब्लॉक, ओके। तो सोच समझ के रीडिंग देखो, जो जिसको भी देखनी है। अगर आप यूँ ही देख रहे हो कोई भी पर्सन गाइडेंस के लिए भी, तो लिमिट से, ओके। आपके पार्टनर जो हैं वो उनको थर्ड पार्टी से धोखा मिला है यहाँ पर, ओके। थर्ड पार्टी से आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिस पर्सन के लिए आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया था या कंफ्यूजिंग एनर्जी में डाल दिया था, यहाँ पर बहुत हर्ट किया है आपके पार्टनर ने आपको, कुछ ऐसा भी बोल दिया था। देखो, सबसे पहले तो किसी के लिए है कि बिना किसी रीज़न के ही रिलेशन ख़त्म किया है। ये रिलेशन अच्छे खासे चल रहा था, कोई रीज़न नहीं था, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर ने, आपने थोड़ा सा शक किया, आपके पार्टनर ने लेकर आपको ब्लॉक कर दिया या बातचीत बंद कर दी। लेकिन आपके पार्टनर उदास वाली एनर्जी में, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो धोखा दिया है। यहाँ पर आपके पार्टनर सिर्फ आपके पास आना चाहते हैं, चाहे वो कितने भी फ्लर्ट करते हैं, डिसीज़न आपके साथ रहने का ही है, आपके साथ ही शादी होनी है। शादी अगर आप दोनों अलग अलग शादियों में, एक सिंगल एक मैरिड है, तो भी प्यार तो है आप दोनों के रिलेशनशिप में, स्ट्रॉन्ग है रिलेशनशिप आपके पार्टनर से आपका, ओके। थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर के, और आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी से झगड़ा करके बहुत स्माइल करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को आदत पड़ चुकी है। यही कार्ड बॉटम में था, यही कार्ड आपके पार्टनर इसलिए कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन बताती हूँ आपको, थर्ड पार्टी के साथ तो कंफ्यूजिंग एनर्जी में है ना, क्योंकि उसके साथ रहना ही नहीं चाहते आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी के साथ तो आपके पार्टनर के झगड़ा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी में डाला हुआ है अभी आपको, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी पूरी तरह से आपके रिलेशनशिप से दूर नहीं गई है, ठीक है। तो अगर इन दिनों में आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग ट्रस्ट नहीं करें, ओके, अपने पार्टनर के ऊपर। सन की एनर्जी आई है, बहुत जल्दी थर्ड पार्टी जाएगी, आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है, नई शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग साथ में रहते हैं तो सिर्फ डेट पर जाएं, ज़्यादा नज़दीकी ना बढ़ाएं अपने पार्टनर से, ओके, जब तक पूरी तरीके से थर्ड पार्टी दूर नहीं हो जाए। क्योंकि आपके पार्टनर के आपकी वजह से आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। थर्ड पार्टी ये जान चुकी है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं, और अब थर्ड पार्टी जाने वाली है सेपरेशन में, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं हमेशा कहती हूँ, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। यहाँ पर आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। इसका मतलब ये है, ये जो कमिटमेंट आपके पार्टनर देंगे कन्फ्यूजिंग एनर्जी से निकल कर, हो सकता है थोड़ा सा बस आर्ग्यूमेंट हो, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट में आपके पार्टनर का प्यार होगा तो यहाँ पर कमिटमेंट देंगे आपके पार्टनर। लेकिन कमिटमेंट देने के बाद में या तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और आप भी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को मिरर कर रही हैं। आपके दिल में जो भी सवाल हैं, जब भी आपके पार्टनर आएंगे आप प्यार से पूछेंगे, और आपके पार्टनर भी से भी कोशिश करना है कि वो आराम से प्यार से बात करें आपसे, ओके।
तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, आई होप आप सभी को पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें, मैनिफेस्ट करते रहें, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, लोअर वाइब्रेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।